जवान मूवी जैसे ही रिलीज हुई है वैसे ही उनके डायरेक्टर इटली कुमार काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। वेल, इटली कुमार वैसे भी फेमस थे और वो कुछ अलग थलग मूवीज बनाने के लिए जाने जाते हैं। जहां एक तरफ उन्हें एक सुपरस्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इटली की आलोचना भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इटली हॉलीवुड मूवीज से इंस्पायर्ड होकर अपने सेल्स को चेंज कर देते हैं। वेल, अब इस पर इटली का फाइनली रिप्लाई आ चुका है और उन्होंने एक बातचीत में अपनी बात भी रखी है। इटली ने कहा है कि मुझे सिर्फ एक ही किस्म की आलोचना मिलती है। लोग बार बार कहते हैं कि मैं पहले दिखाई गई कहानियों को ही लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे दोस्तों में कार्तिक सुभराज, लोकेश कनकराज और पारनजीत का काम देखेंगे तो पाएंगे कि वो लोग अलग अलग चीजें अपना चुके हैं, जैसे अलग तरह की फिल्म मेकिंग, सामाजिक मुद्दे आदि। साथ ही वो कहते हैं कि मैं इकलौता हूँ जो अभी भी कॉमर्शियल सिनेमा, स्टार ड्रिवन फिल्में और मासिक स्क्रीन पे भरोसा रखता हूँ, इसलिए मेरी आलोचना होनी ही है। मेरा मकसद ऑडियंस का मनोरंजन करना है। मैं चाहता हूँ कि हमेशा ही मैं ऐसे ही ऑडियंस का मनोरंजन करता रहूँ और मेरे किरदारों को वो महसूस करे। अब तक मैं कामयाब रहा हूँ, उम्मीद है कि जवान के साथ मैं ऐसा ही कर पाऊँ। वेल, इटली ने तो ये साफ कर दिया है कि वो अपने काम के साथ कभी भी समझौता नहीं करते हैं, हमेशा बेस्ट देने की ही कोशिश करते हैं। वेल, देखा जाए तो आलोचना जितनी भी हो, लेकिन अगर जवान हिट हो जाती है तो सभी के मुंह पर एक जवाब मिल ही जाएगा। जवान को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।